नून चाय कश्मीरी। ये जो बस है ना भाई, ये कुछ नेक्स्ट लेवल सुपर फास्ट बस लगी है मेरे को। नाम क्या है इस मिठाई का? सोन हलवा मिठाई। सोन हलवा। अभी कुछ इस तरह का मार्केट है, ये देख लो भाई। ये देसी है, ये यहाँ की, यहाँ पे ही उगती है। हमने यहाँ की मिठाई उठा ली भाई, क्या मिठाई थी। ठीक है भाई, चर्बी का मामला बिल्कुल सही है, नॉर्मल है एकदम। ओके, सिर्फ 5 किलो वजन ज्यादा है साइज के आधार पर। कौन सा घोड़ा है ये? ये है बासा। बासा यहाँ बिटू मामू जो बिरयानी बहुत खाते हैं बिरयानी खा के इनका। अभी ना अंदर दरबार में गया, दुआ वगैरह की है। बट भाई मैं आपको बता दूँ ना भाई, यहाँ पे लोगों को ना बहुत ईमान की कमी है भैया। अभी आए हैं हम बायर मार्केट में, यहाँ पे है हलवा। कहाँ का हलवा चेक करते हैं, ठीक है? कलियर शरीफ का हलवा चेक करते हैं और फिर आपको बता देंगे कैसा हलवा है यहाँ का, ठीक है? देख लो भाई कितना बड़ा फुल्का यहाँ पे अंकल ने बनाया है, देख लो भाई। नून चाय कश्मीरी, कश्मीरी छू बोलन। कश्मीरी आती है आपको पूरी? क्या बात। तू समझा नहीं। सो अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये यहाँ की मिठाई है। इसका नाम क्या है इस मिठाई का? सोन हलवा। सोन पापड़ी टाइप। अच्छा अच्छा, तो ये सोन हलवा मिठाई है यहाँ की, ठीक है? कलियर शरीफ की। अभी ना हमने यहाँ की मिठाई उठा ली भाई, क्या मिठाई थी, ठीक है भाई? एक नंबर मिठाई थी, खाओगे ना तो भाई पछताओगे, मतलब बार बार खाए। तो अभी बिटू मामू को यहाँ पे एक जग एक पसंद आ गया यार, यहाँ पे कुछ पुराने जमाने का, तो सोच रहे के ले ले। चलिए, सीटी क्यों बंद है ये दुकाने? हड़ताल। अच्छा, हड़ताल। तो अभी यहाँ पे कोई हड़ताल हुई होगी उस वजह से। कुल मिला के जब भी सरकारी कर्मचारी परेशान करेगा, हड़ताल जब होगी बस बात करो। औरत आई हाँ जी, दरगाह में तो औरत का कोई काम भी नहीं है जब। दरगाह में औरत का मन है। तो अभी ना भाई हमने पीछे से ये टोपी उठा ली 100 रुपए की और यहाँ पे भाई 70 रुपए मिल रही है, ठीक है? बहुत ज्यादा फर्क है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं यहाँ से उठाते हैं कोई। तो अभी ना भाई यहाँ पे एक मशीन है, ठीक है? यहाँ पे ना भाई हाइट, चर्बी कितनी बढ़ रही है, वेट सब कुछ पता कर रहे हैं, ठीक है? ये आप देख लो, ठीक ना, सब कुछ बता रही है, चर्बी भी और मतलब जो वजन भी बढ़ रहा है, ठीक है? मतलब आपके वजन के हिसाब, हाइट के हिसाब, किसी डॉक्टर को भी दिखा सकते हो ना, ये पकड़ मैं करवाऊँ अपना थोड़ा करा, तेरा मेरा चैलेंज हो गया। तो अभी ना भाई ये भी बोल रहे हैं, हम भी चेक करवाते हैं कितनी चर्बी है हमारे अंदर। पते बोल रहा हूं, और से लेकर तेरा वेट तेरे हिसाब से ज्यादा है, पता है? सुफानी नवीद भाई कैमरे से बात कर रहे हैं, कैमरे से ऊपर जा रहे हैं। देखो आपकी हाइट है 179 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 10.5 इंच, 10.5 इंच। वेट है आपको 76 किलो 500 ग्राम, और हाइट के एतबार से ना 71 किलो वजन रहना चाहिए आपका। 71 किलो ज़्यादा हो गया, 5 किलो वजन ज़्यादा हो गया। ये चर्बी का साफ होता है, 24 रंजीत 23 है, चर्बी का मामला बिल्कुल सही है आपका, नॉर्मल है एकदम। ओके, फिर 5 किलो वजन ज़्यादा है हाइट के एतबार से। गर्दन ही हिलाने ऊपर से कैमरा जांच कर ले, ठीक है? हो गया हो गया हो गया। 5.5 फुट मेरी हाइट है, 5.5 है 11 इंच हमारी। आपकी हाइट 181 सेंटीमीटर रहेंगे, 5 फुट 11 इंच आपकी लंबाई है। वेट है 71 किलो 400 ग्राम, और 73 किलो रहना चाहिए, 2 किलो वजन कम है आपके अंदर आपकी हाइट के एतबार से। मेरा 72 साहब का 70 हो गया, ये चर्बी का साहब जी 2 किलो वजन कम आएंगे, बस लंबाई तो है ना, लंबाई ज्यादा तो वजन भी ज्यादा चाहिए। बिल्कुल, ये चर्बी का साहब होता है BMI 18 से 24 रंजे 21 है, चर्बी का मामला बिल्कुल सही है, 2 किलो वजन कम हो रहा है। तुम्हारा तो ज्यादा हो रहा है, तुम बिरयानी बहुत खा रहे हो भैया ने ना भाई, भाई भैया ने ना भाई मेला लूट लिया, ठीक है? तो भाई वजन वगैरह कर लिया नवीद भाई का, भाई वजन बहुत ज्यादा हो रखा है, ठीक है? सो अभी यहाँ बिटू मामू जो बिरयानी बहुत खाते हैं बिरयानी खा के इनका इनका वेट ज्यादा हो गया। तो अपना इंशाल्लाह ठीक ही है सब कुछ, तो अभी चलते हैं भाई अंदर। ये देखो नवीद भाई का तो भाई बढ़ के है। तो अभी कुछ इस तरह का मार्केट है, ये देख लो भाई। ये अभी ना हमें दिखी है यहाँ की
स्ट्रॉबेरी ठीक है, मतलब देसी है ये, यहाँ की यहाँ पे ही उगती है। देख लो भाई देसी स्ट्रॉबेरी से कहते हैं ये लोग। तो फाइनली गाइस हमारी मॉर्निंग हो चुकी है ठीक है, जहाँ पे रात को हम आए थे ना सोगाई यार, ये चेक कर लो ठीक है। ओहो हो माशाल्लाह, रात को आपको पता है कि क्लैरिटी वगैरह आई नहीं थी ठीक है, सो इसलिए सुबह हम फिर से आए आपको बताते हैं कि भाई कैसी जगह है ठीक है। सो ये देख लो, और भाई यहाँ पे ना भाई फोटो वगैरह ले रहे हैं ठीक है। ओहो हो भाई चेक कर लो भाई, क्या बात है यार, घोड़ा सा पोज मार रहा है भाई, देख रहे हो गर्दन चेक करो घोड़े की। कौन सा घोड़ा ये? ये है बासा। बासा पंजाब का है ये, पंजाब का है। अच्छा 10 फुट का घोड़ा है ठीक है। हमारा एक फोटो आ चुका है यहाँ पे, घोड़ा सिर्फ सवारी करने के लिए। सो चलते हैं भाई आगे, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं एटीवी के पास ठीक है। अभी ना नवीद भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने राइड लेनी है ठीक है। कैसी है? हाँ बढ़िया वाली गाड़ी। कैसे? 50 की दो राउंड, दो बार जाओ, दो बार दो बंदे एक साथ बैठो इस पे। हाँ इस पे। अच्छा आता हूँ। कम किना करेगा? पहले काम तो बता, पहले होता किना करेगा। कितने बंदे हम? बंदे हैं 4। 4 80 रुपए दे दो, सब मान लो उसका ग्राउंड। 80 रुपया मतलब दो एक एक राउंड जाना आना सब मान लो, सब एक एक राउंड मारे सारे मान लो दो दोनों एक। ओ इधर आओ, एक की फ्री कर देंगे ठीक है ना? ठीक है ठीक है, जितना वो बोल रहे हैं। So finally guys, अभी हम जा रहे हैं। So guys यार एटीवी की राइड ले रहे हैं हम। अभी ना यहाँ पे ऊंट भी है इसमें, क्या बैठने का मतलब कितने लेते हो? 50 रुपया रोड या फिर बैठना सिर्फ वहाँ तक? यहाँ पे ऊंट वगैरह भी है ठीक है, जो भी बैठना चाहे बैठ सकता है ठीक है। भाई यार ये रहा मेरे ख्याल से जो गंगा रिवर है उसी की कोई ना कोई, ये जो गंगा की एक लहर ना इस साइड भी आती है कलियर शरीफ की तरफ, तो ये लिया हमने देखनी थी गंगा बट यहाँ पे ही दिख गई है ठीक है। तो आप भी देख लो भाई ये देखो, और ये ना भाई ये देख रहे हो, ये कुछ लोग ना भाई नहा रहे हैं यहाँ पे ये देखो। अभी ना हम अपने स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं लुड़की। अभी ना गाइज हम हैं लुड़की में ठीक है, कि लुड़की भाई कुछ ना कुछ है नाम ठीक है, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ठीक है। यहाँ पे हुआ तो आगे का व्लॉग बनाएंगे, तो मिलते हैं भाई आपको बाहर का थोड़ा एंजॉय करा देते हैं। साउथ वगैरह के खाने जो है ना भाई वो खा खा के ना मतलब गला वगैरह ना भाई बंद ही हो गया, बट फिर भी भाई मतलब आपके लिए कुछ ना कुछ व्लॉग तो बना रही हूँ ठीक है। ये रही हमारी यहाँ की रोड्स। तो फाइनली गाइस अभी ना रोरकी नाम था, हम रोरकी नाम था, बट मैं बोल रहा था लुड़की, ये इसने मेरे को बताया कि जगह का नाम लुड़की है ठीक है, तभी मैंने आपको बताया। भाई जो ये जगह है ना, इस जगह का नाम है रोरकी, और अभी हम रोरकी वाले रेलवे स्टेशन में पहुंच चुके हैं। और भाई ये जो बस है ना भाई, ये कुछ नेक्स्ट लेवल सुपर फास्ट बस लगी है मेरे को भाई यहाँ की, और इस पे हम कल बैठे तो भाई नेक्स्ट लेवल इतनी। तो पीछे अगर भाई आ रहे हैं ठीक है, तो अभी ना भाई चलते हैं अंदर, रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। तो भाई यार रेलवे पे पहुंच चुके हैं, अभी वेट करते हैं 7 बजे अपनी गाड़ी आएगी ठीक है, ट्रेन आएगी। अभी तो एक घंटा, अभी मतलब एक घंटा है भाई, एक घंटा कैसे निकालेंगे यहाँ पे, बस चलो यार देखते हैं 7 बजे तक वेट करते हैं, उसके बाद गाड़ी आएगी। और यहाँ का ना भाई सिस्टम ही अलग है, यहाँ का ईमान भाई इतना कमजोर है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आप शूज उतारोगे ना वो भी पैसे देने हैं, पानी पियोगे वो भी भाई पैसों के लिए मरते हैं, पैसों के लिए अपना जमीर लोग खो चुके हैं और अपना ईमान भी खो चुके हैं। सो ये रहा हमारा रोरकी का स्टेशन ठीक है। सो ये देख लो भाई ना प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जाना ठीक है, ये आई थिंक फर्स्ट है।
इसके अपोजिट वाला सेकंड और थर्ड वाला मेरे को लगता है थर्ड उस साइड आउटसाइड। अभी ना भाई जल्दी जल्दी पहले हम ढूंढते हैं अपना प्लेटफॉर्म फिर आपको मिलते हैं। अभी ना हम प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं थर्ड प्लेटफॉर्म पे। सो अभी ना भाई यहाँ से मेरे को एक व्यू दिखा है ठीक है, मतलब जो पटरी है ना भाई ट्रेन की वो आपको दिखा देता हूँ ठीक है। ये देख लो ओह भाई ब्यूटीफुल भाई यहाँ से जो व्यू दिख रहा ना भाई नेक्स्ट लेवल। मैं अभी इनको बोल रहा था कि मैं पटरी के बीच से ही पार चला जाता हूँ, इतने ऊपर से कौन जाएगा। आप बोलते हैं भाई ओली ओली डॉग देख लिया अंदर ठीक है, इसलिए ना मैं ना यहाँ से ही आ गया। सो यार अभी ना एक ट्रेन आ रही है, ये ट्रेन पता कौन सी लग रही है, ये कोई ओल्ड मॉडल की। ओ भाई ये तो चौंके मार रही है अभी नहीं यहाँ पे ये बंदा ठीक है, ये कुछ दिखा रहा है, ये देख रहे हो आप रेड। ये ट्रांसपोर्ट वाली तो नहीं ना, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ सामान वगैरह है।